नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं रेणु वैद आपको भारतीय संविधान के को पढ़ाऊंगी। आप सब जानते हैं बच्चों कि जो कक्षा 12 के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को मैं संविधान पढ़ाऊंगी, पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स को क्लियर करवाऊंगी। तो आप चाहते हैं कि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊं, तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखो बच्चों, कक्षा 12 में भारतीय संविधान वाला जो टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बुक के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आगे आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा बच्चों। तो देखो, आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। देखो बच्चों, संविधान पढ़ने से पहले, वैसे तो आप 12 के बच्चे हो, आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान है ये है क्या। संविधान बच्चों कानूनों का दस्तावेज है। क्या है? कानूनों का दस्तावेज है। कानूनों का संग्रह जो किया जाता है वो संविधान में किया जाता है। अब बात आती है कि संविधान आया कहाँ से। बच्चों आपने नाम सुना होगा ब्रिटेन, जिसने हमें गुलाम बना करके रखा, उस इंग्लैंड में सबसे पहले संविधान की बात कही गई और यहाँ पर जो परंपराएं थी उनको दस्तावेजों के रूप में सुरक्षित रखा गया और उन्हीं परंपराओं के आधार पर कानूनों का निर्माण किया गया। तो इंग्लैंड को संविधान की जननी कहा जाता है, लेकिन यहाँ का जो संविधान था वो लिखित अवस्था में नहीं था। विश्व का जो पहला संविधान लिखा गया बच्चों, वो कहाँ का लिखा गया? अमेरिका का लिखा गया। कहाँ का लिखा गया? अमेरिका का। तो अमेरिका में प्रथम लिखित संविधान की जननी कहा जाता है अमेरिका को, जबकि संविधान का जनक देश कहा जाता है बच्चों इंग्लैंड। अब बात आती है भारत की, तो आप जानते हो बच्चों भारत का इतिहास। भारत जो कि जगत गुरु था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 150 वर्षों तक भारत पर शासन किया गया। भारत पर ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाने के लिए 1857 की क्रांति भी हुई। 1857 की क्रांति में भारतीय असफल हो गए। असफल होने के बाद भी धीरे धीरे ऐसे अनेक प्रयास किए गए ताकि ब्रिटिश सरकार से भारत को छुटकारा मिल सके। इससे पहले आप लोगों को पता होगा, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस समय एक प्रस्ताव आया बच्चों, अगस्त प्रस्ताव। क्या आया? अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। इस अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले संविधान सभा की औपचारिकता की बात कही गई कि एक संविधान का निर्माण होना चाहिए। इससे पहले भी हमें संविधान के बारे में लगता है कि संविधान का निर्माण होना चाहिए। इसके पहले सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक का नाम आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, जिन्होंने गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव जैसे कार्यक्रम चलाए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान था और वैलेंटाइन सिरोल ने इनके लिए यहाँ तक कहा था कि भारत में असंतोष का जनक किसको माना गया? बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक ने ही सबसे पहले बात की कि भारत में संविधान का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को पता होगा बच्चों, 1929 में एक नेहरू रिपोर्ट आई, मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, क्योंकि लॉर्ड बेकन हेड ने कहा था कि सांप्रदायिक पंचांग लागू कर दिया और उसमें ये बात कही गई कि बेकन हेड ने ये बात कही कि भारतीयों में इतना दम नहीं है कि वो खुद का एक संविधान का निर्माण कर सके। तो मोतीलाल नेहरू ने इस बात को स्वीकार किया और 1929 में अपनी एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की और नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है बच्चों? नेहरू रिपोर्ट को, या आप कह सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट को किसको?
नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान की आधारशिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आधारशिला नेहरू रिपोर्ट को माना जाता है। तो आपने भारतीय संविधान के बारे में क्या क्या पढ़ा बच्चों? कि भारतीय संविधान के बारे में हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान के में सबसे पहले हमने देखा कि बाल गंगाधर तिलक ने, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान की क्या रखी? मांग रखी। क्या रखी? मांग रखी। उसके बाद 1929 में आया नेहरू रिपोर्ट। क्या आई? नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आधारशिला। क्या कहते हैं बच्चों? भारतीय संविधान की आधारशिला कहते हैं। भारतीय संविधान की आधारशिला या ब्लू प्रिंट कहते हैं। उसके बाद बेलगांव अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में किसने? महात्मा गांधी ने ये बात कही कि एक संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। उसके बाद 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए और इस संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान बनना चाहिए। 1934 के बाद बच्चों 1940 में एक प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव। क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव। और इस अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले संविधान सभा की बात कही जाती है। संविधान सभा को औपचारिक रूप से, ब्रिटिशों ने जो स्वीकार किया बच्चों, वो किसमें किया? अगस्त प्रस्ताव में। 1942 में आया क्रिप्स मिशन। क्या आया 1942 में? क्या आया? क्रिप्स मिशन। इस 1942 के क्रिप्स मिशन ने ये बात कही कि भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए और उस संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण होना चाहिए। लेकिन इसने कहा कि हिंदू मुसलमानों को इस आधार पर स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि वो इस संविधान को स्वीकार करे या नहीं करे। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा कि ये क्या है? ऐसा चेक जिस पर तिथि लिखी हुई नहीं है। इसीलिए क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। इसी के साथ बच्चों हमारे भारत में जो महत्वपूर्ण बात आई वो आती है बच्चों कैबिनेट मिशन की। किसकी आती है? कैबिनेट मिशन। नाम सुना होगा बच्चों, कैबिनेट मिशन 1946। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और इस कैबिनेट मिशन का मेन उद्देश्य था भारत को पूर्ण स्वराज्य प्रदान करना, भारतीयों को पूर्ण स्वराज्य प्रदान करना और भारत में एक अस्थायी सरकार का गठन करना। अस्थायी सरकार का गठन करने के लिए और भारत में पूर्ण स्वराज्य प्रदान करने के लिए कैबिनेट मिशन आता है बच्चों 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 में भारत में चुनाव करवाए जाते हैं। क्या करवाए जाते हैं? चुनाव करवाए जाते हैं। और जुलाई 1946 के चुनाव में क्या करना था? एक संविधान सभा का गठन करना था, एक संविधान सभा बनानी थी जिसके द्वारा संविधान को लिखा जाना था। तो जुलाई 1946 के चुनाव में कितने मेंबर? 389 जो मेंबर थे उनको इसमें शामिल किया गया, चुनाव करवाए गए। और इन चुनाव में बच्चों 299, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर एरिया के थे और 78 प्रतिनिधि आपके मुसलमानों की सीटें निर्धारित कर दी गई थी बच्चों, ठीक है। 296 राज्यों से चुने जाएंगे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर, तो कितने हो गए? 296, 4 and 78 कितने हो गए?
एक्ट, तो यहां पे 386 386 कुल सदस्य थे, उसमें से 296 राज्यों से चुने जाने थे, 4 चीफ कमिश्नर एरिया थे और 78 प्रतिनिधि मुसलमानों से आने थे, मुस्लिम क्षेत्रों से आने थे। इसके अलावा देसी रियासतों से भी क्या आने थे, सदस्य आने थे। इन सब को मिलाकर के कैबिनेट मिशन बनाया गया था। अब उसके बाद आता है कि कैबिनेट मिशन के तहत जो है हमारे भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया। अब बात आती है कि ये जो संविधान सभा बनी थी, इस संविधान सभा में किन किन व्यक्तियों को चुना गया, क्या ये संविधान सभा निर्वाचित सदस्यों को इसमें चुना गया था, तो संविधान का निर्माण करने के लिए बच्चों सबसे पहले बनी थी संविधान सभा। क्या बनी थी, संविधान सभा। और संविधान सभा का निर्माण किसके तहत किया गया था, कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन कब आया था, मार्च 2, 1946 में आया। क्या आया, कैबिनेट मिशन आया मार्च 1946 में, और इसी के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया। इस संविधान सभा में जो निर्वाचित मेंबर थे वो सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे, बल्कि राज्यों के द्वारा यहाँ पर सदस्य भेजे गए थे। और आपकी जो देसी रियासतें थी, उन देसी रियासतों के यहाँ से एक एक प्रतिनिधि आना था। तो इस प्रकार संविधान सभा जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई नहीं थी। जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा के जो सदस्य थे वो राज्यों के जो निर्वाचित सदस्य थे उनके द्वारा चुने हुए थे। अब बात आती है कि जो संविधान सभा थी उसकी प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई बच्चों 9 दिसंबर 1946 को। इस संविधान सभा की पहली बैठक का शुभारंभ किया गया। और बच्चों इस प्रथम बैठक में अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया बच्चों, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया। संविधान सभा किसके प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया, उसने ये बात कही कि एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए और इस संविधान सभा के द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति है वो इस संविधान सभा के मेंबर माने जाएंगे। अब बात आती है संविधान सभा की पहली बैठक होती है बच्चों 9 दिसंबर 1946 को, जिसका अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके अलावा देखिए बच्चों इसकी द्वितीय बैठक होती है बच्चों 11 दिसंबर 1946 को। इस 11 दिसंबर 1946 में स्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुई, जिसका स्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके बाद बच्चों देखो इसकी होती है तृतीय बैठक होती है बच्चों 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को इसकी तीसरी बैठक होती है, किसकी, संविधान सभा की। इस तीसरी बैठक में क्या होता है बच्चों, इस तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। क्या प्रस्तुत किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या था उद्देश्य प्रस्ताव, इस उद्देश्य प्रस्ताव को जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया जा गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही आज हमारे भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है। और इस तीसरी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत की
गई 22 जनवरी 1947 को। इसको संविधान सभा के द्वारा क्या कर दिया गया बच्चों, पारित कर दिया गया। तो तीसरी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 में हुई, इस तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे जाकर के प्रस्तावना कहा गया। तो ये तीन बैठक के संविधान सभा की इम्पोर्टेंट है। ऐसी ही कुल बैठकें हुई थी बच्चों 12, कितनी हुई 12। और जो 12वीं बैठक थी वो हुई बच्चों 24 जनवरी 1950 को। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को जब इसकी 12वीं बैठक हुई, उसी समय भारत में राष्ट्रीय ध्वज और भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। और इसी 24 जनवरी 1950 से पहले जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया था। अधिनियमित किया गया था। तो आपने क्या समझा? आपने यही समझा कि प्रथम बैठक का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को, दूसरी बैठक का स्थाई अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और जो इसकी तीसरी बैठक हुई थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हम कहते हैं प्रस्तावना, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या है। इस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया, और इस संविधान सभा की कुल बैठकें 12 हुई, और इस संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान का निर्माण कर दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बना दिया गया। और इसी भारतीय संविधान में 395 क्या है? अनुच्छेद है। भाग कितने हैं? 22 है। अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूची कितनी है बच्चों? 8 थी मूल संविधान में। बाद में कितनी जोड़ी गई? 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया था। और इसी के साथ बच्चों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। अब बात आती है कि जब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही जब संविधान सभा ने अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित कर लिया गया था, तो 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू क्यों हुआ? इसके पीछे बेटाओ ऐतिहासिक महत्व ये है कि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब 1929 में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, उसी समय कहा था कि 26 जनवरी 1930 को भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया गया प्रथम स्वाधीनता दिवस? 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। अब हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया, तो अब 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व रखते हुए हमारे भारतीय संविधान को बच्चों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो समझ में आ गया कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया था? क्योंकि भारतीय संविधान जो हमारा जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस समय 1929 की रावी नदी के तट पर जब लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया था कि आगे आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो इसी इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमारा भारतीय संविधान बच्चों कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो हमने देखा कि संविधान आया कहाँ से? इंग्लैंड से आया। कहाँ से आया? इंग्लैंड से। और विश्व का पहला लिखित संविधान लिखा गया अमेरिका का। कहाँ से? अमेरिका का। अब भारतीय संविधान को बनाने की अगर हम बात करें बच्चों, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है आपके बाल गंगाधर तिलक से। बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार ये बात कही
कि संविधान का निर्माण होना चाहिए और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद 1929 में नेहरू रिपोर्ट आती है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में जो संविधान बनाया जाए वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। और इसी बात को 1922 में बेलगांव अधिवेशन में किसने दोहराई? महात्मा गांधी ने दोहराई। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारत में संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए और भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। इसी प्रक्रिया को औपचारिकता दी थी 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने। किसने दी थी? 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया उसने इस बात को स्वीकार कर ली कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। और इसी को अंतिम रूप देने के लिए मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आता है और इसी कैबिनेट मिशन के प्रारूपों के तहत भारत में संविधान सभा का गठन होता है और इसी संविधान सभा के द्वारा प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में बनाई जाती है और इसी प्रथम बैठक का अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। और इसी समय आप जानते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन भी कर लिया था। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित होती है और जिसका अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तीसरी बैठक होती है बच्चों 13 दिसंबर 1946 को। इस तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में कहा गया प्रस्तावना, जो हम आगे के वीडियोज में प्रस्तावना की डिटेल पढ़ेंगे, संविधान सभा के बारे में भी और ज्यादा पढ़ेंगे। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। ये जो संविधान सभा थी उसकी कुल बैठक कितनी हुई बच्चों? 12। 12 तो क्या हुए? अधिवेशन। कुल अधिवेशन कितने हुए? 12। बैठक हुई बच्चों 166। कितनी हुई? 166 बैठकें हुई। और इसी संविधान सभा में कुछ समितियों का भी क्या किया गया बच्चों? गठन किया गया। तो संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति? एक सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी बच्चों, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का नाम आप लोगों ने सुना होगा बच्चों। संविधान सभा के तहत एक समिति का निर्माण किया गया बच्चों, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष सहित इसमें 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? अध्यक्ष सहित 7 मेंबर थे और इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नाम सुना होगा बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिसको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इन्होंने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और भारतीय संविधान में उन उन रूपों को स्वीकार किया जो भारतीय माहौल में ढल सकते थे, उन सभी चीजों को स्वीकार किया। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया। प्रारूप समिति का पहले भी निर्माण हो चुका था बी एन राव। देखो बच्चों, बी एन राव जो थे भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। कौन? बी एन राव। और बी एन राव जो थे, जिनको काफी ज्ञान था, संविधान का ज्ञान था, काफी देशों के संविधानों का इन्होंने अध्ययन किया था। और बी एन राव एक ने संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति का गठन कर लिया। और इसी प्रारूप समिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का एक मसौदा तैयार किया गया, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और इसी ड्राफ्ट के तहत हमारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। तो आज आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी बच्चों, कि भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें हैं, संविधान सभा क्या है, संविधान सभा की कौन कौन सी बैठकें हुई, बैठकों के अध्यक्ष कौन थे, किस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव आया, उद्देश्य प्रस्ताव से वो प्रस्तावना बना, ये आपने इस वीडियो में देखा बच्चों। मैं कक्षा 12 की
पॉलिटिकल साइंस की बुक आप सबको क्लियर करवाऊंगी, सारे टॉपिक्स इसमें पढ़ाऊंगी, इसमें अपन सिलेबस देखेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन सारे चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। आप चाहते हैं कि मैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान आपको पढ़ाऊं, तो बच्चों आप मेरे लिखे हुए नोट्स की एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये नोट्स ना केवल 12 आगे के एग्जाम्स में भी आपके काम आएगी। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए, और जो स्कूल के विद्यार्थी जो कक्षा 12 का एग्जाम देंगे उन बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है, क्योंकि कोरोना के चलते ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलाई जा सकती, इसलिए मैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। आप चाहते हैं कि मैं आपको राजनीति विज्ञान पढ़ाऊं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखे कि किन कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, बोर्ड पर लिखा हुआ क्या चीज आपको समझ में नहीं आई आप चाहते हैं, तो आप पढ़ते रहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे बच्चों, कुछ संविधान सभा के बारे में, फिर अब हम पढ़ेंगे संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान में कहां कहां से किन किन चीजों को हमने एडॉप्ट किया, भारतीय संविधान पर किन किन चीजों का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा, जैसे कि 1935 का भारत शासन अधिनियम की ज्यादातर बातें हमने भारतीय संविधान में एडॉप्ट की है, तो कौन कौन सी चीजें हमने बाहर से उधार ली, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी कहा है कि उधार का खेला है भारतीय संविधान, उधार का खेला है, हमने ब्रिटेन, रसिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान सभी देशों से बहुत कुछ लिया है। आज मैंने केवल तुम लोगों को एक संविधान के लिए तुम्हारा एक माइंड सेट किया है कि संविधान में होता क्या है। अब अलग अलग चीजों को पढ़ेंगे, संविधान सभा, प्रस्तावना, विदेशी स्रोत, ये सारी चीजें हम अलग अलग पढ़ेंगे, और भारतीय संविधान वाला जो टॉपिक्स है आपके क्लियर करेंगे। उसके बाद हम राजनीतिक सिद्धांत, न्याय, समानता, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।